क्यों सुदामा को झेलनी पड़ी भयंकर गरीबी जबकि स्वयं श्री हरि भगवान कृष्ण उनके मित्र थे। चलिए जानते हैं। एक हरि भक्त स्त्री थी, उसने 5 दिनों तक कुछ नहीं खाया था, उसको 5 दिनों तक कुछ खाना नहीं मिला था। 6वें दिन उसे एक मुट्ठी चने मिले थे। उसने सोचा था कि प्रातःकाल को विष्णु जी को भोग लगाएगी, फिर उस चने को खाएगी, लेकिन रात में चोर ने उस चने की पोटली चोरी कर ली। चोर ने जब देखा कि उस पोटली में सिर्फ चना है तो उसने चने को संदीपनी मुनि के आश्रम में फेंक दिया। जब कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे तब चोर की द्वारा फेंकी गई वो पोटली उन्हें गुरु माता थमा देती है। इधर सुबह अपनी पोटली गायब देखकर उस हरि भक्त ने श्राप दिया कि जो भी व्यक्ति वो चने खाएगा उसकी स्थिति मुझसे भी दरिद्र हो जाएगी, उसे कई दिनों तक भोजन ना मिलेगा। सुदामा ने जैसे ही पोटली छुआ तो उसे श्राप के बारे में पता चल गया। वे अपने कान्हा के हिस्से में स्वयं के रहते हुए तनिक भी दरिद्रता कैसे आने देते। इसलिए जब श्री कृष्ण को जंगल में भूख लगी तो सुदामा ने कान्हा के हिस्से के भी चने खा लिए और पूरा श्राप अपने ऊपर ले लिया और बेहद ही गरीब बन गए। तो ऐसे थे हमारे कान्हा के मित्र सुदामा। तो आप भी लिखिए जय श्री कृष्ण।